नमस्कार हमारे प्रिय दर्शकों मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी पर ईश्वर कृपा करें, मंगल करें, शुभ करें, शिशु प्रार्थना के साथ में आइए चलिए जानते हैं स्वप्न में अगर आपने किसी साधु संत को देखा है तो उसका क्या अर्थ है। दोस्तों, साधु को वैसे भी समर्पण, त्याग, प्रेम, आध्यात्मिक शांति का स्वरूप माना जाता है। वो हमारे मन को निर्मल करते हैं, परंतु अगर स्वप्न में आपने देखा है तो चलिए जानते हैं इसके अर्थ को। दोस्तों, अगर आपने भी स्वप्न में देखा है साधु को, साधु कोई बनते भी आप देख रहे हैं, तो दोस्तों आपके बुरे विचारों का त्याग होगा और साथ ही साथ सुख समृद्धि उन्नति में वृद्धि होगी। साधु से अगर आप बात कर रहे हैं स्वप्न में, तो दोस्तों किसी पीड़ा से आपको छुटकारा प्राप्ति का संकेत है। अगर आप मार्ग भटक गए हैं और कोई साधु आपको मार्ग बता रहा है, तो यानी कि आप अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। आप प्रगति उन्नति की ओर हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। अगर आपने देखा है साधु के चरण को स्पर्श करते हुए, तो आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, समाज में आपका यश फैलेगा, आपको सहयोग और सफलता की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपने स्वप्न में साधु को दान देते हुए देखा है, तो ये आर्थिक संपन्नता बढ़ने की ओर संकेत देता है। साधु को भोजन कराना यानी कि आपके जीवन में सुख सौभाग्य का उदय और आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आपके कार्य में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर साधु को आपने देखा है श्वेत रंग, सफेद रंग का वस्त्र पहने हुए, तो आपको किसी कार्य में सिद्धि प्राप्त शीघ्र होगी। साधु को अगर भगवा रंग के वस्त्रों में देखा है, तो आपको शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगा। अगर काले वस्त्रों में देखा है, तो कोई कलंक लग सकता है, कोई आपके जीवन में निराशा और कष्ट आ सकता है या है तो बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर आपने साधु को क्रोध करते हुए, गुस्सा करते हुए देखा है, तो आपके कार्य में बाधा हानि का संकेत है। आपके साथ में कोई विश्वासघात कर सकता है, अचानक आपके कार्य में रुकावट हो सकता है, कोई कष्ट मिल सकता है। आप किसी कार्य को करते समय अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो सोच समझ कर लें। दोस्तों, अगर आपने साधु को देखा है मारते हुए, तो दोस्तों ये सपना भी शुभ नहीं माना जाता है, आपके जीवन में निराशा हो सकती है। दोस्तों, अगर मृतक साधु को, मरे हुए साधु को देखा है, तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट होने वाला है। ये सपना आपको अशुभ समाचार प्राप्ति का भी संकेत देता है, बड़ी हानि का भी संकेत देता है, आपके जीवन में अकेलापन, निराशा बढ़ने की ओर भी संकेत देता है। तो दोस्तों, यदि आप भी सपने में देखते हैं साधु को, तो ये था उसका शुभाशुभ परिणाम। यदि दोस्तों अगर आप अशुभ अवस्था में देखते हैं, तो आप जरूर कर लें कुछ छोटे उपाय, जैसे कि आप गरीबों को कुछ बांटें, क्योंकि कहते हैं भगवान दीन बंधु हैं। तो अगर आप गरीबों को कुछ खिलाते हैं, तो उनका जो आशीर्वाद है वो साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होने का संकेत है। इसके साथ साथ आप गाय को रोटी खिलाएं, मीठा खिलाएं, उनमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गाय को हरा चारा, रोटी, गुड़ इत्यादि खिलाकर आशीर्वाद लें और कुछ शुभ कार्य कर लें, और जैसे शिव का अभिषेक, भगवान के नाम का कीर्तन, इससे अशुभ फल मिटता है और स्वप्न का भी अशुभ फल मिट जाएगा। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे भी आप तक वीडियो पहुंच पाए। इसलिए आइकॉन बेल प्रेस जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। आज का वीडियो पूरा होता है। नमस्कार, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।